सविता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे वाह जिंदगी की बहुत चर्चित कार्यक्रम मंदिर दर्शन में। अनंत अनंत पुण्य उदय से जीप को जिन कुल जिन दर्शन करने का अवसर मिलता है और इसी क्रम में वाह जिंदगी की टीम पहुँच चुकी है आप सबको घर बैठे दर्शन कराने भारत में बसे नागालैंड राज्य के दिमापुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वह जिंदगी ने मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा करीब 350 जैन मंदिरों के ऊपर फिल्म बनाई जिससे घर बैठे आपने इन मंदिरों के दर्शन किए। इसके लिए वह जिंदगी की टीम देश के कोने कोने में घूमी, चाहे वह तीर्थ स्थल हो या महानगर या फिर छोटा सा गांव। इसी क्रम में वह जिंदगी की टीम पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड प्रांत के प्रसिद्ध शहर दीमापुर पहुंची। कोलकाता से दीमापुर की यात्रा हमने हवाई मार्ग से पूरी की। दीमापुर पहुंचने के पहले हमारे मन में ये ख्याल था कि शायद ये एक साधारण सा शहर होगा, पर जब हमने दीमापुर का भ्रमण किया तो हम चकित रह गए और हमारी सोच गलत साबित हुई। दीमापुर एक विकसित शहर है और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक सर्व सुविधा युक्त शहर में होनी चाहिए। यहाँ एक विशाल मंदिर है, वहीं तीन चैत्यालय, और एक समाधि स्थल भी है। यहाँ के लोग जितने आधुनिक हैं, उतने ही धार्मिक भी हैं। इसका एहसास हमें तब हुआ जब हम दीमापुर के बड़ा मंदिर पहुंचे। हमारी सोच से बाहर हमारी नजरों के सामने था लाल पत्थरों से निर्मित एक विशाल काय जैन मंदिर जिसे देखकर हम अचंभित रह गए और आध्यात्मिक भाव से हम तब अभिभूत हो गए जब हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमने भगवान महावीर की प्रतिमा के दर्शन किए। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारी नजरों के सामने तीन तीर्थंकरों की विशाल काय खड़गासन प्रतिमाएं थी जिनके सामने हम नतमस्तक हो गए। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, साथ ही साथ दीमापुर शहर और इस समाज के बारे में। दीमापुर जैन मंदिर के लिए मैंने केवल सुना था कि यहाँ एक भव्य मंदिर है। मैं सोचता था कि आम मंदिरों की तरह ही मंदिर होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो इस मंदिर को देखा, इसकी भव्यता को देखा, यहाँ के समाज की एकता को देखा, यहाँ के समाज के द्वारा किए गए कार्यों को देखा, मेरा मन बहुत अभिभूत हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। जैन समाज, जैन मंदिर नागालैंड में, नागालैंड स्टेट में इस्टाब्लिश हुआ करीबन 1500 साल हो गए और हमारे दीमापुर के अंदर भी समझ लीजिए 1920 से यह मंदिर बन चुका था, लेकिन नया मंदिर का निर्माण जो आप देख रहे हो वो 1947 के बाद से ये निर्माण हुआ और देखते देखते आज इस भव्य रूप के अंदर आपके सामने प्रस्तुत है। दीमापुर शहर स्थित मध्य बने ये भव्य मंदिर दर्शन करते ही भक्तों का मन प्रसन्न होता है। इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं? हमारे पूरे इस मंदिर में टोटल प्रतिमा आप देखें तो 126 हैं। जो मूल वेदी है उसमें 17 प्रतिमाएं हैं और मूल प्रतिमा है महावीर भगवान की। पीछे आपने तीन खड़गासन प्रतिमा है, ऊपर में 24 ही है और जो हम लोग का जम्बूद्वीप है उसके अंदर में 78 प्रतिमाएं।
टोटल मिला के ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इतना बड़ा इतना भव्य मंदिर आप अगर शायद जाके देखिए कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग डिमापुर समाज में करीब 450 घर हैं, वो 450 घर की जो यूनिटी है वो भी आपको शायद आप कहीं घूमे होंगे। मेरे को मालूम पड़ा कि अभी आपके चेयरमैन ललित जी ने 350 टीवी के लिए एपिसोड बना दिए, 1000 शॉर्ट फिल्म बना दी, कम से कम 400 मंदिरों का आपने इंटरव्यू ले चुके हैं, आप विजिट कर चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कहीं ऐसा मंदिर देखा है? सच में ऐसे भव्य मंदिर तो मैं पहली बार देखी और मन को बहुत खुशी मिली। 450 घर में किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए जैन मंदिर के बारे में, आपको वहाँ बोलेगा। और पूरा समाज वहाँ जिंदगी लिए आज हम जोर से आपके लिए बोलते हैं, वहाँ जिंदगी, वहाँ जिंदगी, वहाँ जिंदगी। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर हमें यह अंदाजा हो गया कि यहाँ पर दिगंबर जैन समाज काफी बड़ी संख्या में है, जिनका दीमापुर शहर के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। दीमापुर जैन समाज में हर तरीके की फैसिलिटीज हम लोगों ने एडप्ट की है। यहाँ की जो सड़क है जिसका नाम हम लोगों ने जैन टेंपल रोड दिया है, और सड़क भी हम लोगों ने अपने समाज के खाते से बनाई है। पूर्वोत्तर भारत का कोना होने के बावजूद भी दीमापुर शहर में अनेक साधु संतों का आगमन होता रहता है। कई साधु संत महाराज माता जी आए हुए हैं, पुष्पदन सागर जी महाराज, दया सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी महाराज, ये सन्मान सागर जी महाराज, प्रसन्न सागर जी महाराज, ज्ञानमती माता जी, ये आपका इंदुमती माता जी, सुपार्श्वती माता जी, विद्यामती विद्युश्री माता जी, बहुत माता जी का संग आया हुआ है। दीमापुर की महिलाएं काफी सक्रिय हैं, इस बात की जानकारी हमें पहले से ही थी, और यहाँ आकर जब हमने उनसे बातचीत की तो पता चला कि वाकई ये अनगिनत कार्य भी करती हैं। लाल वन से बनी भव्य मंदिर, जिस मंदिर में महावीर स्वामी की मनोहरी प्रतिमा दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पे मंदिर में मैं ये देखी कि आप सब महिलाएं काफ़ी संख्या में आते हैं, दर्शन करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। क्या आप सब दर्शन के अलावा या धर्म के अलावा और भी कुछ सामाजिक कार्य करते हैं? हम लोग यहाँ बहुत कार्य करते हैं। हम लोग यहाँ जिन्होंने की 7000 जो भी है हमारे महिला समाज के अंतर्गत चलती है, हमारी सभी संस्थाएं इसमें सहयोग करती है, और यहाँ क्रिकेट भी का खेल भी हमारी महिला संस्थाएं करवाती है, और यहाँ कुकिंग क्लास भी करवाती है। कई ऐसी क्लासें हैं जो ऐसी सभी चारों दान प्रकार का दान हर शिक्षित क्षेत्रों में भेजती है। आहार दान की पूरी व्यवस्था, जो भी साधु त्यागी बरती आते हैं उनके आहार दान की चौका की व्यवस्था हमारी महिला समाज की सभी संस्थाएं मिलकर के करती है। हमारी 4 महिला संस्थाएं हैं, सन्मति महिला परिषद, अहिंसा समिति, वीर कन्या मंच और जीवन ज्योति, सभी महिलाएं हम एकजुट होकर हर एक कार्य में आगे रहती है। मंदिर के पहले तल पर एक चौबीसी का निर्माण किया गया है। वह जिंदगी की टीम ने बड़े बड़े महानगरों के अनेकों मंदिरों के दर्शन किए, पर ऐसा चौबीसी हमें कहीं देखने को नहीं मिला। ऐसा निर्माण प्राय किसी तीर्थ क्षेत्र में ही देखा जाता है। इस तल पर एक जम्बू द्वीप भी निर्मित है। मंदिर के अंदर अत्याधुनिक लिफ्ट की सुविधा भी है। मंदिर का अपना लॉकर रूम है। मंदिर के अंदर की कारीगरी को देखकर हम जहां विस्मित थे, वहीं हमें अद्भुत खुशी हुई कि हम एक कलात्मक विशाल मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। समाज की ओर से बच्चों के लिए यहाँ एक पाठशाला भी चलती है, जहाँ उन्हें जैन धर्म के सिद्धांतों को बताया और सिखाया जाता है। बच्चों को जैन संस्कार ग्रहण करते देख हमें काफी खुशी हुई और संतोष का अनुभव हुआ।
छोटे बच्चे भी मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर में इन बच्चों का कितना रुझान है? यहाँ बच्चों के लिए पाठशाला चलती है, यहाँ समाज के सभी छोटे बड़े बच्चे पाठशाला में पढ़ने आते हैं और यहाँ बच्चों को बृहस्पतिवार को नमोकार की क्लास होती है, उसमें सारे बच्चे नमोकार बोलते हैं। उसके बाद रविवार को बच्चों को पूजा सिखाई जाती है। आप रोज मंदिर आते हो? हाँ, हम रोज मंदिर आते हैं। आपको धर्म में क्या क्या आता है? भक्तामर आते हैं। भक्तामर सुनाओ। भक्तामर प्रणत मूलि मणि प्रवाना मुदोत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगाद वलम भलम भौजले पत तम जनानम। रात में शहर के बीचों बीच स्थित इस मंदिर का सौंदर्य एक अलग ही छटा बिखेरता है। इस मंदिर के अगल बगल हमें बताया गया कि दीमापुर का पूरा जैन समाज रहता है। एक अनोखे निर्माण को देखकर हमारी टीम दंग रह गई और वह है सरकारी रोड के ऊपर एक विशाल मुख्य द्वार का निर्माण जिस पर लिखा है महावीर द्वार। ये इस बात को साबित करता है कि नागालैंड सरकार और प्रशासन पर दीमापुर समाज का काफी बड़ा प्रभाव है और इस मुख्य द्वार के बगल में ही निर्मित है समाज की ओर से संचालित एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। इस अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित अनेक सुविधाएं हैं जिसका लाभ जैन धर्म के साथ ही साथ अन्य धर्मावलंबी भी उठाते हैं। इस भव्य और विशाल मुख्य द्वार के बगल में ही निर्मित है एक छोटा सा मान स्तंभ जिसके हमने दर्शन किए। इस भवन के अंदर कई विशाल हॉल है जिसमें शादी विवाह समेत कई सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। समारोह में उपयोग होने वाले प्राय हर साल सज्जों की सामान की व्यवस्था यहाँ की गई है। इस भवन के हॉल को आकर्षक ढंग से निर्मित किया गया है। मंदिर से कुछ कदम आगे दीमापुर समाज की ओर से एक स्कूल और कॉलेज का भी संचालन किया गया है जहां विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है। इस स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहां बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं वहीं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्कूल में उच्च दर्जे की शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। मंदिर के पास ही दीमापुर जैन समाज का एक विशाल अतिथि भवन है जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन भवन जिसके अंदर अनेक कमरे और कई हॉल है। ये भवन लिफ्ट, एयर कंडीशनर, अटैच बाथरूम जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। ये अतिथि भवन कई तल्लों में निर्मित है। बाहर से आने वाले लोगों को दीमापुर में रहने के लिए अत्याधुनिक भवन का निर्माण कर दीमापुर जैन समाज ने काफी महत्वपूर्ण काम किया है। दीमापुर जैन समाज की ओर से एक विशाल और महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण शुरू किया गया है जिसका नाम है महावीर स्थल। इस स्थल पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई परियोजनाओं पर विचार चल रहा है जिनके पूरे होने के बाद केवल दीमापुर जैन समाज ही नहीं बल्कि दीमापुर के आसपास के क्षेत्रों के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दीमापुर जैन समाज की ओर से दो एम्बुलेंस की सेवा भी लगातार दी जा रही है जो कोरोना काल में काफी उपयोगी साबित हो रही है। दीमापुर जैन समाज के द्वारा एक अनोखे जैन कार्ड की भी परियोजना शुरू की गई है। हम लोगों ने एक कार्ड बनाया, एक कार्ड जिसको माइनॉरिटी आइडेंटिटी कार्ड या बच्चे, अगर एक बच्चे ने भी जन्म ले लिया तो उसको भी हम लोगों ने ये कार्ड
यूज करते हैं, और ये कार्ड एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जैसे पेन बोलते हैं, आधार बोलते हैं, उस हिसाब से ये कार्ड भी नागालैंड के अंदर मतलब एक्सेप्ट हो चुका है। आप जैन हो इसकी क्या गारंटी है आपके? मैं ओम प्रकाश सेठी बोल देने से नहीं होता है, ओम प्रकाश जैन बोल देने से सीधा निकाला भाई ये कार्ड है, समाज की तरफ से ये कार्ड दिया हुआ है। दीमापुर के नाम से कुछ लोगों के मन में ये भाव भी रहते हैं कि यहाँ पर हम अपनी बेटियों का विवाह नहीं करेंगे, पर शहर घूमने के बाद हमारी टीम को उनकी सोच आधारहीन लगी। दीमापुर जैन समाज के पदाधिकारियों ने वहां जिंदगी की टीम का आभार भी प्रकट किया, जिससे हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिली। श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर नागालैंड, वह जिंदगी को दीमापुर जैन समाज के अंदर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने जो प्रोजेक्ट लिया है वो समाज के हित में और पूरे हिंदुस्तान के जैनियों के लिए ये एक बहुत बड़ी एक माध्यम है कि जैन क्या क्या कर रहे हैं उसकी खबर पूरे देश में पहुंच रही है, और आप पहुंचाने के लिए जिस तरीके से वचनबद्ध हो गए, जैन समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वह जिंदगी वाले यहाँ पधारे हैं, आपका मैं महिला समाज तरफ से हमारी सब संस्थाओं के आपका स्वागत करती हूँ। आज जो आप जीर्णोद्धार के बारे में और जो प्राचीन मंदिरों का जो जगह जगह जा करके उनका विकास कर रही है, उनके फोटके लेकर के सगा प्रदर्शन कर रही है, वो बात तक हमारे समाज में उसकी बहुत आवश्यकता है। आपका भी ने जो नया प्रोग्राम चालू किया है शादी ब्याह वाला, आमने सामने वो भी हमने देखा, हमने अच्छे अच्छे लड़के देखे हैं, अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखी हैं आपकी युवा जिंदगी में, जो आमने सामने में उनको हम लोग को पता ही नहीं इतनी अच्छी लड़की हैं, इतनी अच्छी लड़कियाँ हैं, आपने वास्तव में बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। आपकी पूरी टीम को, वहाँ जिंदगी की टीम को, ललित जी जो इतने, मैंने ललित जी को देखा, पैशन है इनमें, एक जुनून होता है ना काम करने का। आपके पास ललित जी के पास दिया हुआ सब कुछ है, मैंने पूछा, पूरा इंटरव्यू लिया है, किंतु जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने जुनून मन में धारा है वो रियल में काबिले तारीफ। और इनका एक मोटो है, बता रहे थे मेरे को कि भारत में एक स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इसको बनाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई। हम चाहते हैं कि ये जिनका मोटो है सफल रहे, और जल्दी से जल्दी आप इस नाम को एकदम विश्व प्रचारित कर दें, स्लोगन को। नागालैंड के दीमापुर का सफर हमारी टीम के लिए काफी सुखद रहा। हमने यहाँ आने से पहले ये सुन रखा था कि दीमापुर बहुत विकसित नहीं है, यहाँ भय का वातावरण है, अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव है, पर हमारी सारी भ्रांतियाँ दीमापुर आने के बाद दूर हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ का दीमापुर जैन समाज काफी विशाल है, जो संकट की घड़ी में एक होकर कठिनाइयों का सामना करता है और आपस के लोगों की मदद करता है। अगर अभी तक आपने दीमापुर मंदिर और शहर का भ्रमण नहीं किया है तो यहाँ आइए और इस भव्य विशाल मनमोहक मंदिर के दर्शन करें, तो निश्चित ही आपकी जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।